नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फरवरी का महीना वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक के लिए कैसा जाने वाला है, बने रहिएगा। जो भी है, गलत सही, वो सामने है, उस पर हम बात करेंगे। और ये भी बता दूं कि चार चार ग्रहों का गोचर परिवर्तन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गोचर परिवर्तन हो रहा है वो मंगल का हो रहा है, और ये 5 फरवरी को हो रहा है मकर राशि में। मतलब कि 5 फरवरी को ये मंगल यहाँ पे चले जाएंगे, 5 फरवरी को मंगल मकर राशि में चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले मंगल धनु राशि में थे और यहाँ पर पहले से ही शुक्र बैठे थे, ठीक है। तो मंगल अब जब आगे जो करेंगे सो करेंगे, मंगल का जो भी काम है, जो भी आगे करेंगे, जिसके बारे में बात हम करने वाले हैं, जो कि फरवरी के महीने में करने वाले हैं, तो जो ये फरवरी में करेंगे सो करेंगे। लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि मंगल पहले क्या किए थे, जनवरी में क्या किए थे। मंगल जनवरी में शुक्र के साथ थे, और शुक्र में, शुक्र के साथ होने का मतलब क्या है, 12वां घर और कहीं ना कहीं 7वां घर। तो मंगल 2 घरों को डिस्टर्ब में डाले, 7वां घर और 12वां घर। 7वां घर का मतलब पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, लव लाइफ। इसमें जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं आपको काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानियों, काफ़ी कुछ देखने को आपको मिला होगा, कमेंट करके बताना। जैसे कि कुछ लव लाइफ में, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो वहाँ कुछ लड़ाई झगड़े हुई होंगी, और मैरिज लाइफ का देखा जाए तो मैरिज लाइफ में हस्बैंड या वाइफ से आपकी लड़ाई हुई होगी, या पार्टनरशिप में दिक्कतें हुई होंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जनवरी के महीने में ये दिक्कत रहा होगा, और 12वां घर भी डिस्टर्ब रहा है। तो जनवरी के महीने में फालतू खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, या कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से पैसे आपके फालतू लगते ही जा रहे हैं। और जो लोग जॉब कर रहे होंगे उनको सीनियर से उनका मन मुटाव होगा, सीनियर से बात नहीं बन पा रहा होगा, या घर परिवार के कुछ कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े, इन सब के भी संकेत यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये तो रहा जनवरी का महीना जो होगा। अब फरवरी में यही मंगल यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी बुध भी हैं, जो कि 1 जनवरी से आ गए हैं, सूर्य हैं, 12 तारीख तक सूर्य हैं, और यहाँ पे शुक्र भी आ जाएंगे 13 तारीख को, ठीक है। तो आप समझिएगा, अब सूर्य जो है 12-13 फरवरी को निकल जाएंगे, सूर्य यहाँ पे 13 फरवरी को आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बाकी ग्रह तो है ना। तो बुध जो है 20 तारीख को साथ छोड़ेंगे, यहाँ पे बुध जो है 20, लेकिन 20 तारीख तक, खास तौर से 13 तारीख से लेके, मतलब 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, ये फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या होगा ना कि जैसे मंगल आएंगे तो बुध पे इफेक्ट पड़ेगा, और बुध पे इफेक्ट पड़ेगा इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आपका 8वां घर डिस्टर्ब होगा और आय डिस्टर्ब होगा। तो 20 फरवरी 13 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के तक जो है जॉब जाने के बुरे योग बन रहे हैं, जॉब इस वक्त आपका जा सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं कि इसमें आपके जॉब की जाने की पूरी संभावना है। मतलब आपका आय रुक जाएगा, आय रुकने का मतलब क्या है कि जॉब जाने की चांसेस यहाँ पे प्रबल है, जॉब जाने के पूरे योग बने हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको। दूसरा बात, अब मंगल आएंगे तो मंगल तो शुक्र को इफेक्ट करेंगे करेंगे, तो जो जनवरी के महीने में हुआ वही लगातार फरवरी के महीने में भी होगा। पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, इसमें डिस्टर्बेंस होगा, और कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े, खर्चे फालतू के, ये सब भी अभी तक अभी आपका बना ही रहेगा। ये रहा मंगल के आने की वजह। शुक्र भी परिवर्तन कर रहे हैं, 13 फरवरी को शुक्र परिवर्तन करेंगे, तो शुक्र भी पहले यहीं पर थे, अब यहाँ परिवर्तन करेंगे, तो मंगल और शुक्र साथ में ही आ रहे हैं, साथ में ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी मंगल साथ में आ रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, तो जो मंगल किए हैं ना, शुक्र मंगल को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, प्रयास करेगा, अच्छा होने का प्रयास करेगा, लेकिन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वही जो बताया मैंने, पर्सनल लाइफ का दिक्कत, बाकी चीज़ें,
वो प्रबल योग है, वही होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, मंगल शुक्र का योग का मतलब ही होता है कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस। जब मंगल शुक्र का योग बना था ना, तभी से मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं सूर्य का। तो सूर्य तो खैर यहां पर है, अब सूर्य यहां पे आ गया और बहुत अच्छे स्थिति में आ गया, तो दसवां घर मजबूत। तो 12 13 तारीख से देखेंगे कि कुछ ऐसा आपके साथ लाइफ में होगा जैसे कि आपका करियर अच्छे से स्टेबल हो सकता है। मैं बताया था 20 तारीख तक नौकरी जाने के चांसेस हैं, लेकिन सूर्य यहां पे आ गया तो जो अभी तक जिनका काम लंबे टाइम से चल रहा था, अचानक वाली बात नहीं कर रहा हूं, जिनका काम चल रहा था लेकिन वो डाउनफॉल जा रहा था, उसमें दिक्कतें आ रही थी, वो अब 12 तारीख के बाद वो खत्म हो जाएगा। मतलब जो लंबे टाइम से काम चल रहा था, जो वर्क आपका चल रहा था, जो बना बनाया चीज बहुत पहले से था, उसमें डाउनफॉल अगर आया होगा तो वो अब सुधर जाएगा। उसमें कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे खुल जाएंगे जिससे कि आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अचानक जॉब जाने का चांसेस 20 तारीख तक तो दिखाई दे ही रहा है। सूर्य क्या करेगा, जो थोड़ा डाउनफॉल आया था ना, उसमें थोड़ा रास्ता दिखा देगा और कुछ ना कुछ आपको सूर्य की मदद से हेल्प मिलेगा। लेकिन आपके कुंडली में सूर्य कैसा है, मजबूत होगा तभी आपको लाभ होगा। ठीक, अब रहा बुध का बात। तो बुध तो सूर्य के साथ ही कर रहे हैं, तो बुध का मतलब क्या है कि ये रोल आय का है और अष्टम घर का है, तो अष्टम घर अच्छा हुआ है, तो कुछ जगह मन मुताबिक जगह बदलने के योग है। जैसे कि बुध भी है, बुध 20 फरवरी के बाद से मन मुताबिक जगह का परिवर्तन हो सकता है, या जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहां जा पाएंगे, जैसा आप चाहते हैं करियर में वैसा कुछ मन चाहा कुछ चीजें 20 फरवरी के बाद से आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रहे हैं। ये रहा वृश्चिक राशि का। बाकी आपके खुद के कुंडली में शुक्र कैसे हैं, मंगल कैसे हैं, बुध कैसे हैं, बाकी ग्रह कैसे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है, वो कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलेगा। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, कुछ चार्जेस तो कुछ दक्षिणा उपयोग करके पर्सनली बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक के सब्सक्राइब शेयर जरूर करके। जय हिंद, जय भारत।